बाज लोगों का सवाल होता है कि माल में बरकत कैसे हो, बड़ी परेशानी रहती है, मैं भी कमाती हूँ, मियाँ भी कमाता है, बच्चे भी कमाते हैं, लेकिन बरकत नहीं, तो बरकत कैसे हो? पहली चीज है अल्लाह का तक्वा। फरमाया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्ज। अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह का तक्वा इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। हर काम अल्लाह के डर से कर, अल्लाह की नाफरमानी नहीं। दूसरी चीज सदका। हदीस में आता है तुम जो भी सदका करोगे अल्लाह उसकी जगह और देगा, और वो सब रिस्क देने वालों में से बेहतर। कुरान मजीद में आता है वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युख्लिकु वहुवा खैरुर राज़िकीन। बच्चों की जॉब शुरू हुई, पहली तनख्वाह में से लाजमन सदका करवाए, फिर हर महीने सदका करवाने की आदत कर, ताकीद करें और उन्हें लेके बैठे कि बेटा देने से माल बढ़ता है, सिर्फ बैंक में जमा करने से नहीं बढ़ेगा। सदका माल को कम नहीं करता, हदीस में आता है, हदीस में आता है जो आदमी सिला रहमी के लिए सखी बन जाता है, जूदो सखा का दरवाजा खोल देता है, अल्लाह उसकी वजह से उसके माल में इजाफा कर देता है। रिश्तेदारों को देने से माल बढ़ता है। सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदके का हुक्म देते और हम में से कुछ लोगों के पास कोई चीज होती नहीं थी देने के लिए, कुछ भी नहीं था देने को, करें क्या, तो वो बाजार जाते, अपनी पीठ पे कोई चीज उठाते, मजदूरी करते और एक मुद लेकर आते और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देते, यानी सदका कर देते। वो कहते हैं बेशक मैं आज एक शख्स को जानता हूँ, उसके पास अब 1 लाख है यानी दिरहम, मगर उन दिनों उसके पास 1 दिरहम भी नहीं होता था। तो वो उस सदके की बदौलत अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि आज लाखों में लाखों है उसके पास। तो सदका सिर्फ वो नहीं करता जो अमीर होता है, सदका वो भी करे जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं, बहुत थोड़ा है, उसमें से ही थोड़ा सा दे दे। क्योंकि अल्लाह ताला हर रोज 2 फरिश्ते मुकर्रर करते और वो दुआ करते हैं अल्लाह देने वाले को और दे, देने वाले को और दे, जो खड़े होकर बस यही दुआ करते रहते हैं हर रोज, अल्लाह देने वाले को और दे और ना देने वाले का पहला भी जाया कर दे, तो वहां से भी बरकती हो जाती।